आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मनी हाइस्ट सीजन 3 के एपिसोड 4 को। यदि आपने इसके पहले के सीजन को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में इसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो अब चलते हैं वीडियो की ओर। सो शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, यानी कि नैरोबी उस लॉकर में बनाए गए एंटी चैम्बर की मदद से कुछ गोल्ड बार्स को बाहर लाती है और वहाँ उसकी टीम ये देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि आखिर इतना सारा सोना उन्होंने पहली बार जो देखा था। नैरोबी वहाँ अपनी टीम को कहती है कि हमें इस काम को और तेजी से करना होगा क्योंकि उन लोगों के पास बहुत ही कम समय बचा है। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि कर्नल तमायो को यह बात पता चल जाती है कि आखिर प्रोफेसर की टीम हाईली सिक्योर बैंक ऑफ स्पेन में घुसने में कामयाब कैसे हो गए। दरअसल एपिसोड 2 में आपने देखा होगा कि कैसे प्रोफेसर की टीम अपने आप को BPAC 6 कंपनी की पहली पलटन बताकर बैंक ऑफ स्पेन में घुस जाती है। ये जानकर कर्नल तमायो को बहुत गुस्सा आता है। अब वह समझ चुका है कि प्रोफेसर हमारे सिस्टम में घुस चुका है और वह पिछली बार की तरह गलतियां नहीं करना चाहता है, इसलिए वह पुलिस और CNI के सारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ऑर्डर देता है कि उसे हैक हो सकने वाली जितनी भी डिवाइसेज है जो कि नेटवर्क से कनेक्टेड होती है उसे यहाँ सभी डिवाइसेज अपने वर्किंग एरिया से बाहर चाहिए। इंस्पेक्टर एंजल के पूछने पर वह कहता है कि उन चोरों के पास 1 बिलियन यूरोज है जबकि पूरी CNI की बजट 282 मिलियन ही है, यानी कि वह जिस डिवाइस को चाहे हैक कर सकता है। और फिर कर्नल तमायो अपनी CNI टीम को स्क्रीन पर काउंटडाउन डालने को कहता है ताकि उन्हें बैंक के सिक्योरिटी लॉक खुलने का सही टाइम पता चल सके और उस काउंटडाउन के अकॉर्डिंग प्रोफेसर की टीम के पास सिर्फ 14 मिनट का समय होता है, यानी कि उस 14 मिनट के अंदर प्रोफेसर को उस हाइस्ट को पूरी तरह से अंजाम देना होगा वरना बैंक के सिक्योरिटी लॉक खुलने पर वे पकड़े जाएंगे। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है उस समय को जब प्रोफेसर बर्लिन और पैलेर्मो बैंक ऑफ स्पेन के हाइस्ट की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी उस प्लान में दिक्कत ये आती है कि बैंक के सिक्योरिटी लॉक खुलने के पहले उस हाइस्ट को आखिर अंजाम कैसे दिया जाए, यानी कि उस हाईली सिक्योर्ड लॉकर को कैसे खोला जाए जिसमें गवर्नमेंट के हाईली सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फिर बर्लिन कहता है कि उस समय हम ऑपरेशन डॉल्फिन एक्टिवेट करेंगे, पर प्रोफेसर को कहीं न कहीं लगता था कि ऑपरेशन डॉल्फिन फेल भी हो सकता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर को जब यह बात पता चलती है कि CNI ने सभी टैग डिवाइसेस को ऑफ कर दिया है तो वो बहुत परेशान हो जाता है, यानी कि उनकी कम्युनिकेशन को अब वो सुन नहीं सकता था, इसलिए वो बैंक ऑफ स्पेन में अपने टीम को कॉल करता है और कहता है कि उन्हें यह काम को जल्दी से निपटाना होगा नहीं तो बैंक के सिक्योरिटी लॉक खुलने पर पुलिस उन पर अटैक भी कर सकती है। फिर प्रोफेसर ऑपरेशन डॉल्फिन शुरू करने को कहता है। ऑपरेशन डॉल्फिन यानी कि उस गोल्ड से भरे लॉकर के अंदर एक और हाईली सिक्योर्ड लॉकर होता है और उस हाईली सिक्योर्ड लॉकर को वे लोग बैंक ऑफ स्पेन के गवर्नर के जरिए खोलने वाले थे और गवर्नर ही एक ऐसा इकलौता इंसान था जो उस लॉकर को मात्र 3 सेकंड में खोल सकता था। दोस्तों मैं जानता हूं कि आपके मन में कुछ सवाल जरूर होंगे कि आखिर जब प्रोफेसर की टीम को इतना सारा सोना हाथ लग गया था तो फिर ये लोग दूसरी तिजोरी खोलने का रिस्क क्यों ले रहे हैं। दरअसल जो दूसरा लॉकर होता है उसके अंदर कुछ गवर्नमेंट के हाईली सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उसी डॉक्यूमेंट्स को प्रोफेसर रियो की रिहाई के लिए एज अ की यूज करने वाला था। फिर दूसरी तरफ फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि प्रोफेसर अपने टीम को ट्रेनिंग क्लासेस दे रहा होता है कि चोरी के दौरान हम लोग दूसरे जमाने के डिवाइसेस को यूज करने वाले हैं क्योंकि उस तरह के डिवाइसेस में कोई तरह का इंटरनेट या GPS कनेक्शन नहीं होता है जिससे हमारा डिवाइसेस कभी भी हैक नहीं हो पाएगा और हम लोग अपने प्लान को परफेक्टली एक्सिक्यूट कर पाएंगे। इधर CNI इन्वेस्टिगेशन के लिए आर्तुरो को बुलाता है और उसे उन चोरों की फोटोग्राफ्स दिखाकर कहता है कि तुम उन चोरों से अच्छी तरह से वाकिफ हो इसलिए तुम्हें पता हो सकता है कि प्रोफेसर ने बर्लिन के गैर हाजिरी में टीम का लीडर किसे बनाया होगा। आर्तुरो उन्हें बताता है कि उनके टीम का नया लीडर डेनवर हो सकता है क्योंकि रॉयल मिंट के चोरी के दौरान सबसे काम का आदमी वही था। और फिर कर्नल तमायो CNI में ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द उसे आर्मी फोर्सेस तैयार चाहिए, यानी कि बैंक के सिक्योरिटी लॉक खुलने पर वे लोग प्रोफेसर की टीम पर हमला करने वाले थे। इधर प्रोफेसर की टीम बैंक के गवर्नर को उस बेसमेंट में लाता है जहाँ पर लॉकर होता है। डेनवर गवर्नर को स्विमिंग सूट और मास्क पहनने को कहता है ताकि उस पानी से भरे लॉकर के अंदर सरवाइव कर सके और उसके अंदर मौजूद दूसरे लॉकर को खोल सके, पर गवर्नर स्विमिंग सूट को पहनने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि चाहे तुम जो कुछ भी कर लो पर वो जीते जी ऐसा नहीं करेगा। दरअसल वो गवर्नर बड़े असूलों वाला इंसान होता है इसलिए ऐसा करने से मना कर देता है और डेनवर उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। इस पर गवर्नर डेनवर को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है और डेनवर को काफी गुस्सा आता है। वह गवर्नर को धक्का देता है जिससे गवर्नर को चोट लग जाती है और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। अब प्रोफेसर की टीम के पास 2 मिनट 30 सेकंड का ही समय बचा होता है क्योंकि गवर्नर बेहोश हो चुका था, इसलिए वे लोग प्लान बी को एक्टिवेट करते हैं, यानी कि उस लॉकर को वे लोग प्लास्टिक बम के जरिए उड़ाने वाले थे। तभी बुगोटा प्लास्टिक बम को लेकर उस एंटी चैम्बर की मदद से लॉकर के अंदर जाता है। अंदर पहुंचकर प्लास्टिक बम को उस लॉकर के गेट पर लगाकर उसे एक्टिवेट करता है और खुद सोने की रेख से अपने आप को कवर कर लेता है।
चंद सेकंड में वो बम जोरदार धमाके के साथ फट जाता है और उस बम के फटते ही ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन वीडियो में जल्द लाने वाला हूँ, इसलिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और यदि कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ताकि मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर वीडियोस बना सकूं। तो मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो और एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।